प्रणाम। यहाँ मौजूद समस्त मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। जो बच्चे हैं सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ आज सभी बच्चों की माताओं को देखकर यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है। सब मातृशक्ति यहीं पर मौजूद है, एक ही छत के नीचे, और अच्छा लगता है जब ये वातावरण देखे। बहुत खुशनुमा सा लग रहा है कि आज सारी की सारी माताएं यहाँ पर इकट्ठी हुई है। मुस्कुरा कर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद की दुनिया सारी, हर वर्ग को मुस्कुरा कर झेलती थी वो शक्ति है एक नारी। भारत वह देश है जहाँ हर नारी को देवी मानकर पूजा किया जाता है। कई दार्शनिकों ने देवताओं से बढ़कर माँ को दर्जा दिया है और देवी से उनकी तुलना की है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इस पवित्र धरती पर संतान होने का गौरव मिला है। हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग हैं। हमें ये अपना पावर महसूस करना चाहिए कि हम कमजोर नहीं हैं। हमें हमारे जो अंदर आत्मा है उसे एकदम मजबूत बनाना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़े। आजकल एजुकेशन का जमाना है, हमें हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए, हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, और ये हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करें ताकि बच्चियां कहीं पे कमज़ोर महसूस नहीं करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि माँ अपनी बच्चे की पहली टीचर होती है, और ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम उन्हें शिक्षा से ज़्यादा संस्कार दें और उन्हें हमारे घर के रीति रिवाज और परंपराओं को उन्हें बताएं, ताकि वो हमारे ज़मीन से जुड़ सके, उन्हें भी हमारे घर के रीति रिवाज का पता हो। नहीं तो आजकल के बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है घर के रीति रिवाज क्या है, परंपरा क्या है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे बच्चों को शिक्षा से ज़्यादा घर का ज्ञान दें, और यही चीज़ घर से शुरू होती है, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाया जाता है लेकिन जो संस्कार होते हैं वो हमें घर से, और वो भी हमारी माँ से मिलता है। और बेटियाँ किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, ये आप सब जानते हैं। आज कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, हर बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। और हमें ये महसूस होना चाहिए कि जैसे तरह दुनिया में बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं।